और फिलहाल निकलने के लिए बैग पैक कर दी है। तो सभी भाइयों को पूछते हैं यहाँ पे रहकर कैसा लगा आपको, बताओ भागवत भू पहले। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं सप्तश श्रृंगी पे और यहाँ पे बहुत तेज बारिश शुरू है। तो जय हिंद यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग वीडियो गाइस। तो गाइस आज शायद हमारा यहाँ पे लास्ट दिन है श्री त्र्यंबकेश्वर नगरी में। तो देखेंगे आज सप्तश्रृंगी को जाना होता है कि नहीं, क्योंकि गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश चल रही है सुबह से, मतलब अब कम है बट सुबह से बारिश ही शुरू है। तो देखो फिलहाल मैं ऊपर आ गया था वीडियो लेने के लिए और ये पूरा ब्रह्मगिरी पर्वत और यहाँ का एक्सलेंट व्यू देखते ही जा रहे हैं हम। और इतना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे रहते रहते कि क्या ही बताए गाइस। और पानी की वजह से वहाँ पे ऊपर से झरने बह रहे हैं, वीडियो में नहीं दिखेगा बट इतना नज़ारा बढ़िया है ना कि क्या ही बताए। और ये ऊपर पूरा गीला हो चुका है, तो चलिए अभी नाश्ता करने के लिए नीचे चलते हैं। तो देखो भाई श्री संस्थान के कैंटीन में मस्त यहाँ पे सभी नाश्ता कर रहे हैं सुबह सुबह, और ये पूरा कैंटीन यहाँ का एकदम बढ़िया है। तो गाइस अब नाश्ता होने के बाद हम जा रहे हैं श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन लेने के लिए। तो फिलहाल यहाँ से प्रसाद ले लिया है हमने घर के लिए। तो भैया त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से वापस आ चुके हैं और वहाँ पे हमारा बाहर से ही दर्शन हुआ क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ थी। तो देखो फिलहाल रूम पे आ चुके हैं और फिलहाल निकलने के लिए बैग पैक कर दी है। और देखो भाई ये रूम एकदम बढ़िया था हमें रहने के लिए और सभी के बैग पैक करने हो चुके हैं। और गाइस यहाँ की व्यवस्था और यहाँ का सब कुछ देखकर यहाँ से निकलने का मन ही नहीं कर रहा बट जाना पड़ता है भाई, कितनी दिन रह सकते हैं यहाँ पे। तो भैया सभी निकलने के लिए तैयार हो चुके हैं, अपनी अपनी बैग पैक कर ली है और अब निकलेंगे यहाँ से। तो सभी भाइयों को पूछते हैं यहाँ पे रहकर कैसा लगा आपको, बताओ भागवत भू पहले। यहाँ का एनवायरनमेंट तो बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे एक बार आके जाने का ही फिर से मन करता है। हाँ यहाँ पे आने का मन, मतलब यहाँ फिर से आने का मन करता है। दीपक भो बढ़िया है। और सूरज भो आपको कैसा लगा? एकदम बढ़िया लगा मुझे, और मैं यहाँ रहकर इतना फ्रेश हो गया कि मैं अपने घर पर भी जैसा कि मैं अपने घर पर हूँ ऐसा मुझे फील हुआ। हाँ घर जैसी फीलिंग है गना भो। अरे यार एकदम बढ़िया, हमारे दोस्त और सब्जी भाई सब कुछ आ गए और मजा ही मजा है। हम ब्रह्मगिरी गए थे, अंजनी पर्वत गए थे, हरिहरगढ़, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, स्वामीनाथ मंदिर, तिरुपति महाराज मंदिर सब देखा। और हमारे दोस्त अब ऐसा आशा करते हैं कि अगली बार डबल आएंगे साथ में और सलावन महीने में। अगले में यही कहूँगा कि ये बहुत अच्छा है। तो बोलो गौरव कैसा लगा? हमें इतने दिन बहुत मजा आया, यहाँ का नेचर भी ब्यूटीफुल है। अच्छा हाँ। और प्रणव यार एक बार जरूर आना ब्रह्मगिरी पर्वत देखने, मैं यही कहना चाहूँगा। और यहाँ के सबसे खूबसूरत जगह मतलब हरिहरगढ़, यहाँ पे आप जरूर एक बार आना। हाँ संतन भाऊ सगड़े तो बोल लिया था आनंद। तो चलो भाई इस रूम को अलविदा कहते हैं अब, और हमने ये बराबर से लगा दिया है जैसा पहले था। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं अब, और बहुत याद आएंगी इस रूम की क्योंकि हम चार पांच दिन यहाँ पे रहे। तो ये नीचे का पूरा स्थान जहाँ पे हम आते जाते थे, और प्रसादालय यहीं पे, गजानन माउली की प्रतिमा, और यहीं पे देनगी काउंटर। तो चलो भाई यहाँ से। और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी है, तो देखो यहाँ पे कृष्ण राधा कृष्ण की मूर्ति। तो गाइस इस वाले व्यू को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे हम क्योंकि बहुत एक्सलेंट है भाई। तो
तो फाइनली भाई बस मिल चुके हैं। तो गाइस अभी नासिक से निकल गए हैं सप्तशृंगीगढ़ की ओर। पहले हमें वहाँ पे जाना है और वहाँ से बाद में घर पे जाएंगे। तो देखो भाई फिलहाल इस वाली गाड़ी में जा रहे हैं सभी लोग। सप्तशृंगी पे और यहाँ पे बहुत तेज बारिश शुरू है और इतनी तेज है कि गीला होना पड़ेगा क्या पता भाई। और चलिए ऊपर जाना है हमें। और देखो हमने माता रानी के लिए वटी मतलब चढ़ावा जो कहते हैं हिंदी में वो ले लिया है। और यहाँ पे बारिश देखो भाई कितनी तेज है, पूरी दुकानें लगी है नीचे से ऊपर तक। तो गाइस फाइनली हमारा माता रानी का दर्शन हो चुका है और अभी नीचे जा रहे हैं और एकदम मस्त दर्शन हुआ। और यहाँ पे व्यवस्था भी मतलब पहाड़ में भी बढ़िया व्यवस्था है चढ़ने के लिए, पानी नहीं लगता ज़्यादा, मतलब ऊपर से पूरा स्लैब किया हुआ है, सीढ़ियाँ है बढ़िया। तो चलिए गाइस नीचे चलते हैं अब। तो देखो भाई कुछ इस तरह की सीढ़ियाँ की हुई है नीचे जाने के लिए और ये ऊपर से स्लैब है मतलब पानी नहीं लगता, साइड से लगे तो है बट नीचे कोई पानी नहीं लगता इसके। और बाहर देखो पानी शुरू है, बारिश पूरी पहाड़ों में है। अब हम सप्तशृंगीगढ़ पे तो ये फिलहाल उतर चुके हैं गढ़ के नीचे। तो भाई सप्तशृंगी से नासिक को आ गए थे और अभी नासिक से जा रहे हैं सीधा रेलवे स्टेशन पे, वहाँ से देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल इस वाली बस में जा रहे हैं नासिक से। तो अभी 9:15 पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन पे। फाइनली खुल जा सिम सिम। तो फाइनली भाई 11:15 बैठ गए हम ट्रेन में और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है देखो, आगे पीछे पूरा पैक हो रखा है और ऊपर नीचे सभी तरफ बहुत ज़्यादा भीड़। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं घर पे। जैसे कि आपने इस ब्लॉग में देखा हम सप्तशृंगीगढ़ पे गए थे और भाई मस्त 7 दिन की ट्रिप हुई और ये एंड का मतलब 7वें दिन का ब्लॉग। तो पूरे 9 लोग गए थे हम और यहाँ पे कुछ कम है
और इसमें से कुछ लोग आए भी नहीं थे, तो इनको अनुभव पूछते हैं, जो जो आए थे उनको। तो बोलो वो सूरज भाऊ, क्या अनुभव है? एकदम बढ़िया, वो बोलता ही हूँ मेरा बोले एकदम मस्त सफर रहा हमारा, एकदम बढ़िया। हमारा जो सफ़र था एकदम बढ़िया था, और हमने बहुत इंजॉय किया। इंजॉय शब्द हमारा सफ़र एकदम बढ़िया रहा और हमें बहुत अच्छा लगा। तो गाइस सफर तो बहुत अच्छा रहा, पर ये पूरे थक गए हैं बच्चे और लाद रहे हैं इस वीडियो में आने के लिए, बहुत लाद रहे हैं बोलने के लिए। तो देखो सफर तो बहुत बढ़िया रहा, और ये हमारे रामू सेठ ये नहीं थे, दीपक नहीं था, स्वप्निल नहीं था। पीछे के रेलवे में बैठ गया था लेकिन रेलवे पंचर हो गई थी मेरी पीछे के रेलवे में बैठे पर रेलवे पंचर हो गई थी। तो भाई बढ़िया वाला सफर होने के बाद और सफर के साथ ब्लॉग में जुड़ी हुई यादें, इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे कर दे एंड। तो आई होप कि आप सबको ये पूरे ब्लॉग पसंद आए होंगे, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते जल्दी ने एक ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र। नहीं नहीं भाई, ये सबके सब चले गए और मेरे को घर पे ही छोड़ गए और बस। अरे अरे दरवाजा उघडला, कोणतरी पैदा उघडून पैदा निघले।